प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस ऑफ के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं हमारी दोस्त याना मीर। बहुत शुक्रिया याना कि आज आपने ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सारे व्यूअर्स को। और हमारे साथ हैं फखर यूसुफ जई जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो भी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फखर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। और हम यकीनन जो है वो कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा हंसते बोलते, हम जो है टेंशन ना लें ज्यादा चीजों की, लेकिन जैसे हमेशा करते हैं, जैसे हमेशा करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले याना, पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत आई हुई है और एक मैच भारत के साथ हार भी गई है, तो क्या आपको लग रहा है, क्या टेंशन में आ गई थी पाकिस्तान की टीम, क्या हुआ था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जय श्री राम के जो नारे लगे थे वहां पर ग्राउंड में, उससे कुछ टेंशन में आ गई, आपको लगता है कि नहीं खेला ही अच्छा नहीं? देखिए, अगर मोहम्मद रिजवान नमाज पढ़ते हैं ग्राउंड पे और इससे किसी को टेंशन नहीं होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के जय श्री राम बोलने से मोहम्मद। सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैन द रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल और एक इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से भारतीय शेरनी याना मीर को, और वो बात करेंगी पाकिस्तानी पत्रकारों से, जिसमें आप देखेंगे आरजू काजमी जी को और फकर यूसुफ जई को, और ये दोनों डिस्कस करेंगे खासकर इसराइल और हमास के बीच में जो जंग जारी है उस पर। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। रिजवान को टेंशन होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है। जय श्री राम मतलब गॉड को याद करने का एक तरीका है या ग्रीट का करने का एक तरीका है, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं वो जय श्री राम बोलते हैं, इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग। अब एक ग्रीटिंग को वॉर क्राय बनाने का काम पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा ने किया है, तो इट इज अ प्रोपेगेंडा, वो किसी को गाली तो नहीं दे रहे ना। तो जब वो नहीं डरते, जब मोहम्मद रिजवान ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, और मुझे बताइए उसकी जरूरत क्या थी, क्रिकेट ग्राउंड पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी, ठीक है ना। क्या ऐसे बोला गया है कि आपको मतलब वहां कोई ऐसे तो नहीं कि पूरी जमात आई हुई थी नमाज पढ़ने के लिए, वो कोई ईद की नमाज की वो जगह तो नहीं, वो ईदगाह तो नहीं है ना, तो क्या जरूरत थी, क्या उनको अपने ड्रेसिंग रूम में, चेंजिंग रूम में कहीं जगह नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए कि वो ग्राउंड पे आ गए? तो जाहिर सी बात है कि देखिए, रिलीजन का जो शो है वो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक साइड कर रहा है शो तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दूसरा साइड भी करेगा, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है जी। बाकी उनका खेल कैसा था आपके ख्याल से, कि खेले अच्छे नहीं, कि क्या हुआ जो इतनी जल्दी हो गए सब लोग? मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई, मैंने वही कहा कि मतलब आईसीसी का ये क्या मतलब मकसद क्या था, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने बुलाया क्यों पाकिस्तान को, दो घंटे में हराना ही था, तो ये इतनी वन साइडेड मैच थी कि मजा ही नहीं आया देखने में कसम से। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन फखर आप तो क्रिकेट काफी देखते हैं, आपके ख्याल से क्या ये जो रिजवान हमारे क्रिकेटर हैं उनको ग्राउंड पे नमाज पढ़नी चाहिए थी, और इतना बुरा खेल खेलने की क्या वजह थी? वैसे कल साजिद ताड़ साहब के साथ मैंने शो किया तो वो तो ये कह रहे थे कि इन्होंने सट्टा खेला है और ये लोग जो है ना वो पहले ही मैच फिक्सिंग हुई हुई थी और इसलिए ऐसे मतलब खड़े रहे स्टैचू बन के सबके सब। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। और नमाज की बात है, मेरे ख्याल में उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी उसका एक पर्सनल मैटर है, मुझे मतलब मैं उस पे जाना नहीं चाहता। हाँ, मुझे स्पोर्ट्स के पर्सनली रखे ना, पर्सनली रखे उसको, पब्लिक में क्यों आ रहा है? फिर जब पब्लिक भी वही काम करती है फिर उसको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, किसी को मेरे ख्याल प्रॉब्लम हमें ना ये माइंड हमें क्लियर करना पड़ेगा। ये अक्सर हम देखते रहते हैं कि दूसरे कंट्रीज में जाकर जब हम ये देखते हैं कि यार ये फलां क्यों कर रहा है, हम बेसिकली हमें से बर्दाश्त का ये चीज निकल गई है ना, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि यार अगर किसी ने कर लिया सो कर लिया, क्या मतलब कौन सी कमी आप बेशी हो गई है ग्राउंड के अंदर या किसी और चीज के अंदर। अव्वल तो मैं कहता हूं कि आप वहां पे हम आपको क्रिकेट के लिए भिजवाते हैं, बाकी आपने मेंबर पे बैठ के अगर वो जुम्मे का खुतबा देना है या कुछ और चीज करनी है, जिस तरह इन्होंने ऑकलैंड में किया था, न्यूजीलैंड के टूर पे थे एक दो साल पहले, वहां पे जुम्मे का खुतबा दे, तो भाई हम आपको जुम्मे के खुतबों के लिए नहीं भिजवाते, आप क्रिकेट छोड़ दें, फिर आप जुम्मे के खुतबे दे दें, मस्जिदों में जुमाते पढ़वाएं। यूसुफ युहाना को ग्राउंड पे बोला जाता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो आप सीधे जन्नत में जाओगे,
अब बताओ। मैं कहता हूँ ये याना ये बहुत गलत बात है। मैं कहता हूँ कि मेरे टीम में इस वक्त एक नॉन मुस्लिम नहीं खेल रहा, अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं इसको कभी मोहम्मद यूसुफ साहब जो अब ठीक है उन्होंने क्या किया जो भी किया, या फिर हमारे पास एक और लेग स्पिनर बॉलर थे हमारे पास सिद्ध से, ठीक है हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था, वो बार बार कहते कि यार मुझे तंग किया जाता रहा, अनफॉर्चुनेटली। क्यों हाशिम मामला साउथ अफ्रीका की टीम में, वो कहते कि मेरे टीम मैनेजर मेरी नमाज का इंतजाम, दानिश कनेरिया की शायद आप बात कर रहे हैं, दानिश कनेरिया की, एग्जैक्टली मैं नाम भूल गया था, दानिश कनेरिया की। अच्छा वो दूसरे इनका क्या नाम है इंग्लैंड की टीम में, नासिर हुसैन कैप्टन रहे इंग्लैंड टीम के, हम क्या किसी हिंदू को पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनाने की जरूरत कर सकते हैं? इतना दिल जिगरा हमारा है कि हम कहें कि हाँ यार ये भी बन सकता है? कभी नहीं बनाएंगे किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को या किसी सिख को, हम खिलाते नहीं है तो बनाएंगे तो वो तो दूर की बात है। तो ये चीज है, इनको तो खैर कभी मैंने ना सपोर्ट किया ना मैं कभी करूंगा। आता हूं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। तो जितना थका हुआ कह लें, जितना बकवास कह लें, जितनी पैथेटिक गेम थी, ये कहते हैं ना कि ये मैच फिक्स कर दिया तो फलां, मैं कहता हूं यकीन करो कि इंडिया वाले कहते थे यार जाओ जाओ यार हमने खेलना नहीं, बिलीव मी यार हद होती है, बेशर्मी की हद होती है, फाइट करके हारे एक नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कबूल नहीं की और दूसरी तरफ राम जी उन पर हावी हो गए, श्री राम जी। मैं तो कहती हूँ ये हो गया। ब्लेम या ना, मुझे मैं कहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है या कोई भी दुनियावी काम है ना, उसको उसके जो कोई कहते हैं ना कि जो दायरे में रखना है, जी बिल्कुल, जो कोशिश करता है ना, जो अच्छा खेल पेश करता है। इंडिया ने आउट क्लास कर दिया पाकिस्तान को, बेशक वो जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा या नहीं पढ़ा, उन्होंने नमाज वहां पढ़ी या नहीं, उन्होंने खेल अच्छा पेश किया। वो जितने उनके प्लेयर्स थे, बॉलर्स थे, बैटर्स थे, उनकी फील्डिंग थी आउटस्टैंडिंग थी, बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया उसको। ये बाकी जो हम ये कहते हैं ना कि लोग जय श्री राम के नारे लगा, मैंने एक टीवी पे ये भी सुना कि जी वहां पे तकरीबन पौने 1.25 लाख से ऊपर के लोग बैठे हुए थे, तो वो इतना प्रेशर आ गया था टीम के। मैं कहा नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल बकवास है भाई। उनका मुल्क है, अब उनके लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आते, ये उनका राइट है। हम मैं कौन होता हूँ कि मैं कहता हूँ नहीं जी तुम पाकिस्तान के झंडे मतलब चुके, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि राम से डर गए, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि श्री राम से डर गए, झूठ, वही बात सही है। ये जब आपको या ना जब आप फ्लॉप होते हैं ना, मतलब मेरा मतलब है मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, तो जब आप खेलते नहीं अच्छा तो फिर आप उसके लिए किसी ना किसी का शोल्डर मतलब देखते हैं, रिलीजन कभी कोई और कभी कोई और, ये ब्लेम गेम बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं ना, किसी ने कुछ वो नहीं किया, मतलब लोग थे सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को, उनका हक था भाई वो सपोर्ट करते, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, वो कुछ और जिंदा विराट कोहली जिंदाबाद नारे लगाए, उनका राइट है। मैं कौन होता हूँ कि मैं उनको कहूँ कि जी आप पाकिस्तान जिंदाबाद के ना लगे, बाबर जिंदाबाद जो है वो लोग जरूर पाकिस्तानी टीम से, पाकिस्तान के लोग बड़े मायूस हुए, डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा, बहुत डिसअपॉइंट। लेकिन अगर बात हम करें इस वक्त इसराइल की और फलस्तीन की या हमास की, या ना क्या लगता है आपको कि इस वक्त कौन सही है? इसलिए कि हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया ये बताया जा रहा है हमारे चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी, हॉस्पिटल पे तो खैर किसी को भी अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन इसराइल की तरफ से हॉस्पिटल पे अटैक किया गया है, क्या लग रहा है आपको कि कौन इस वक्त सही है और कौन गलत जा रहा है? देखिए इसराइल ने तो अपनी तरफ से कहा कि ये हॉस्पिटल पे हमने अटैक नहीं करवाया, ये हमास का ही एक बॉम्ब था जो वहां पे उड़ गया। और ये होता है, देखिए हमस भी कोशिश कर रहा है कि लोग जो है वहां और उनको तकलीफ हो ताकि फॉरेन एड ज्यादा आए, तो हमस तो हमेशा अपने लोगों को तकलीफ में ही रखने की इसकी ये सियासत ही ऐसी रही है कि अपने लोगों को बलि का बकरा बना के खुद पैसे कमाओ। अगर ये बात सच नहीं होती तो हमस का लीडर हानिया वो कतार में क्या कर रहा है, आलिशान घर में रह के वहां से भाषण देता है, क्यों वहां से क्यों तकरीरें करता है, वहां से क्यों लोगों को बोलता है कि अपनी जमीन छोड़ के निकलो नहीं, इवैक्यूएट मत हो जाओ। वो चाहते हैं, आपने देखे होंगे वो भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मतलब जब लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के आगे भी बम धमाके हो रहे हैं। अब वो तो इसराइल से नहीं आए ना, वो तो हमास ने खुद किए ताकि लोग बाहर ना निकले। यहां भी वही हो रहा है, लोगों को पूरी तरह से जो है जद्दोजहद में रख के फिर दुनिया भर से रिलीफ एड मांगना और दुनिया भर से पैसे मांगना, ये ही उनका हमेशा से इनका यही काम रहा है, जकात मांगना, लोगों के नाम पे जकात मांगना, जितनी तकलीफ में लोग रहेंगे उतनी इनको जकात मिलेगी।
तो ये उसी के चक्कर में कर रहे हैं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसराइल के पास कोई रीजन नहीं है कि वो एक हॉस्पिटल को उड़ा दे, क्योंकि हॉस्पिटल के साथ तो उसकी जंग नहीं है, उसकी जंग हमास के साथ, तो जाहिर सी बात है। और जब IDF खुद ही बार बार ये ऐलान कर रहा है कि हम नहीं चाहते कि मासूमों के साथ कुछ गलत हो जाए, इसीलिए बार बार ऐलान किया जा रहा है कि इवैक्यूएट करो, यहां से इवैक्यूएट करो। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। जो भी आपके इस वीडियो के बारे में और खासकर इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो जंग जारी है उस पर आपके जो भी विचार हैं कि आप किसकी तरफ हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्द इस चैनल पर डाल देंगे, आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।